वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। इसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू होंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। वहीं लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।